Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Hi, I'm Zeeshan Ayyub, and these are the 5 things you should not tell an actor. पहली चीज, जब आप हीरो के दोस्त का कैरेक्टर दे रहे हों तो प्लीज़ मत बोला करिए कि आपको सेकंड लीड दे रहे हैं. बहुत कमाल का है, क्योंकि हमें पता है असलियत क्या है. अब इतना पढ़ लिख लिए हम लोग. सेकंड, अगर सड़क पे एक एक्टर मिलता है उसके पास मत जाइए ऐसे, और जाके मत पूछिए कि आपको कहीं देखा है, आप एक्टर हैं. वो बोले हाँ, तो मत पूछिए कि आपने कौन सी फिल्में करी हैं. ये बहुत एम्बेरेसिंग होता है, खुद बताना कौन सी फिल्में करी हैं. और अगर वो एक दो बता रहा है तो ना देखी हो तो बोल दीजिए हाँ हाँ देखिए. उसके बाद मत बोलिए कि नहीं ये वाली नहीं देखी और बताओ. बहुत मुश्किल होता है वो, ठीक है, वो मत करिए. थर्ड, ये सारे जो चीफ एडी हैं उनसे मेरा वो है कि ये सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि गधा मजदूरी करवाओगे. जो कॉल टाइम हो उसी वक्त बुलाइए. हमें नहीं लगता इतना टाइम तैयार होने में. पहले दिन हो सकता है आप जो सुबह 6 बजे बुला के बैठा लेते हैं और शॉट लगाते हैं 3 बजे, आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता. वो एक्टर भी मेंटली सिर्फ गुस्से में आता है सेट पे और अपना गुस्सा निकालता है लाइन लेते हुए, काम नहीं करता. तो प्लीज़ कॉल टाइम पे बुलाया करिए. फोर्थ, शॉट दिया एक्टर ने तो सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है, जो कई डायरेक्टर्स जिनको नहीं पता कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, वो आते हैं और आगे बोलते हैं वो वाली बात नहीं आई, वो वाला फील नहीं आया. ये वो वाला फील किसी को नहीं आता और ऐसा कोई फील नहीं होता. तो वो वाला मत करिए. एग्जैक्टली बताइए कि क्या मिसिंग था या क्या करना है, आदमी करके दे देगा. एक चीज़ ये को एक्टर्स के साथ बहुत होता है, आप डायरेक्टर मत बनिए, आप मत बताइए कि कैसे करना है. और ख़ास तौर पे जब उसमें ऐसी चीज़ इन्वॉल्व हो कि आप सामने वाले एक्टर को बोलें कि थोड़ा स्टेटस तुझे नहीं लगता डाउन रखना चाहिए, स्टेटस उस आदमी को खेलने दो, डायरेक्टर को डिसाइड करने दो कि सीन में किस कैरेक्टर का क्या स्टेटस रहेगा. आप मत डायरेक्टर बन के उसका स्टेटस कम करवाइए. थैंक यू.